हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 करवाऊंगी, और एक्सरसाइज 5.1 और उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले जाके उन वीडियोस को देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 5.2। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का, वो मैं पहले रीड कर देती हूँ। इसमें ये पूछा गया है कि हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फर्स्ट पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। तो उसमें हमसे ये पूछा गया कि हम यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट को कैसे लिखेंगे कि वो इजी हो जाए हमारे लिए समझने के लिए। तो आप देखिए कि जो यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट है, पहले आपको वो पता होना चाहिए कि क्या होता है, वो मैं आपको एक बार यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जो यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट है वो ये बोलता है कि अगर दो लाइन्स हैं P और Q और एक लाइन है R S और एक लाइन इसको कट करती है X Y, और यहाँ पर इसके इंटीरियर एंगल्स का सम, मीन्स ये इसके इंटीरियर एंगल्स है, और किसी भी साइड पे सपोज इस साइड पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो लेस देन 180 डिग्री है, इनकी इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन 180 डिग्री है, तो उसी साइड पे ये लाइन्स अगर इनको हम आगे मीट बढ़ाएंगे तो ये एक पॉइंट पे मीट हो जाएंगी, ये बोलते हैं। तो अब हम इसको डेफिनेशन में लिखना है, तो मैं आपके लिए बता देती हूँ कि आपको कैसे लिखना है। आप लिखिए व्हेन टू लाइंस पी क्यू एंड आर एस आर इंटरसेक्ट बाय ए थर्ड लाइन एक्स वाई सच दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन 180 डिग्री ऑन वन साइड, देन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ऑन द सेम साइड। और जो सेकेंड क्वेश्चन है आपका, वो ये बोलता है डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट गिव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस एक्सप्लेन। तो उसमें हमें ये पूछा गया है कि जो यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट है, जो मैंने अभी आपको समझाया है, क्या वो पैरेलल लाइंस की एग्जिस्टेंस की भी एग्जिस्टेंस को बताता है। तो इसका आंसर है यस। आप देखेंगे कि फिफ्थ पोस्टुलेट ये था कि पी क्यू और आर एस दो पैरेलल लाइंस है, एक्स वाई एक लाइन है, और ये दोनों लाइंस मीट होंगी अगर एंगल 1 और एंगल 2 का सम लेस देन 180 डिग्री है। लेकिन अगर हम ये माने कि ये दो लाइंस हैं, एक्स वाई जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, और जो इसका इंटीरियर एंगल्स है एंगल 1 2 और एंगल 3 और 4, इन दोनों का सम लेस देन 180 डिग्री नहीं है, बट इन दोनों का सम, मतलब इन दो इंटीरियर एंगल्स का सम और इन दो इंटीरियर एंगल्स का सम इक्वल टू 180 डिग्री है, तो ये दोनों लाइंस कभी मिल ही नहीं पाएंगी, ना तो राइट साइड पे ना लेफ्ट साइड पे, तो इसलिए ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। हमारे पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन भी यही होती है, जो दो लाइंस कभी मिलती नहीं है और जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, वो पैरेलल लाइंस होती है। तो हम यहां लिख देते हैं इफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री देन द लाइंस नेवर मीट आइदर ऑन लेफ्ट साइड और ऑन राइट साइड, विच मेक्स पैरेलल लाइंस। तो यहां पर ये आपका जो एक्सरसाइज 5.2 है वो भी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।